बैड वेदर के कारण यहाँ पे आज हमारे गृह मंत्री साहब ने ढांगरी पंचायत में उन परिवार पीड़ित परिवारों के साथ जो मिलना था, मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए और वन टू वन जो है सभी जो विक्टिम थे, जो विक्टिम फैमिलीज थी, उनके साथ उन्होंने बात की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जिन जिन लोगों ने ये कार्याना हरकत की है उनको जल्दी से जल्दी उनका डिमार्केशन करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बात हुई है घर वालों की, क्या मांग थी जो गृह मंत्री के आगे में रखी? देखिए, जो उन्होंने गृह मंत्री साहब काफ़ी जो हमारे बच्चे इंजर्ड हैं इस समय, वैसे तो जिनकी डेथ होगी उनकी उनकी जगह पे एक एक आदमी की जॉब लगेगी। घर वालों का ये कहना था कि हमारे फैमिलीज के चार चार मेंबर ऐसे हैं क्रिटिकल जो इंजर्ड इस समय है, अभी भी जो हॉस्पिटल में है, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ से रेफर करके चंडीगढ़ में भी चले गए हैं, उनके लिए जो है सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और आगे जो उनकी लाइफ है जो मैक्सिमम जो है उनकी जो है हैंडीकैप्ड है वो, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उनके ऊपर भी जो भी सोचा जाए विचार किया जाएगा उनके ऊपर। सिक्योरिटी फ्रंट को लेकर कोई आश्वासन उनकी तरफ से, क्या ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या कोई जानकारी ऐसी दी गई? उन्होंने कहा आज शाम को उनकी जो अपनी बैठक है इसी सिक्योरिटी को लेते हुए और जल्दी से जल्दी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी पहले का पुष्टि की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो हमारी यहाँ पर 18 कंपनियाँ भेजी गई हैं और भी जहाँ रिक्वायरमेंट बनती है तो केंद्र से जो है फौज जो है और भेजी जाएगी।